सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, पुराना वाला पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो फिर भी आप बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है। फिर इसके बाद आपको सिंपली अपने थ्री लाइन पे क्लिक करना है ऊपर कोने में। और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, फिर इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अगर अभी तक आपने अपने फेसबुक को अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट ज़रूर करते रहिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा पेज आने के बाद सी मोर इन अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसा आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको अपना पासवर्ड पता है पहले वाला, तो यहाँ पर आप करंट पासवर्ड डाल करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको अपना पहले वाला पासवर्ड याद नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना है, फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो या तीन ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको नंबर भी शो होंगे कि आपके कौन कौन से नंबर लगे हुए हैं और कौन कौन सी ईमेल आईडी लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको अपनी जिस ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर कंफर्मेशन कोड लेना हो, और यानी कि ओटीपी जो आता है, तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने इस नंबर पर लेना चाहता हूँ, इस नंबर पर ये नंबर मेरे फ़ोन में ही होना चाहिए और ये चालू होना चाहिए, इस पर रिचार्ज वगैरह सब ओके होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा। तो इस नंबर पर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा जो यहाँ पर आपको डालना है। देख सकते हो मेरा आ चुका है, तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको अपना कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। फिर इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है पासवर्ड बनाने के बाद। और यहाँ जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो नया पासवर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, यानी कि ये फेसबुक का ही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको भी आता है तो आप इसको फिर से दोबारा से ट्राई कर सकते हो कुछ देर बाद, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते हो और आप अपना पासवर्ड चेंज इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको काट देता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ कुछ देर बाद। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो बहुत ही आसानी से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो।